हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द्लास तो ई एस आई सी की नोटिफिकेशन आ चुकी है फॉर डिप्टी डायरेक्टर्स और हम हम उसकी तैयारी करेंगे हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द क्लास तो ई की नोटिफिकेशन आ चुकी है फॉर डिप्टी डायरेक्टर्स और हमें ये अपॉर्चुनिटी जानने देनी तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग तो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में और हमें क्या करना है द बेस्ट वे कि एमसीक्यू को पढ़ा जाए क्या कि जब मैं स्लाइड को या क्वेश्चन को सामने लाऊं आपको क्या करना है सबसे पहले आंसर अपने माइंड में सोच लेना है और मैच करना है कि जो आपने आंसर सोचा था और जो मैंने बताया क्या वो सही है या गलत है ठीक है इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कितना है सो लेट्स बिगिन स्टेटमेंट प्रिपेयर टू कंपेयर कॉम्पोनेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू ईर्स बाय कन्वर्टिंग टेकिंग कॉमन बेस तो क्या बोला गया है कि कि किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कंपेयर करते हैं कंपेयर क्या करते हैं टू ईयर्स का डाटा होता है साथ साथ जो परसेंटेज निकाली जाती है वो एक कॉमन बेस लेके निकाली जाती है जो परसेंटेज निकाली जाती है कॉमन बेस लेके निकाली जाती है तो सबसे पहले तो देखो ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम परसेंटेज निकालते ही नहीं है ना तो ये तीनों तो वैसे ही नहीं हो सकते तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बच गया एक तो कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट का और कॉमन साइज स्टेटमेंट का अब कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट क्या होता है कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट याद हो तो हमने वो करते थे कि प्रीवियस ईयर का डाटा लिखते थे प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ साथ हम फिर करंट ईयर का लिखते थे फिर उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे और एब्सोल्यूट चेंज निकालने के बाद परसेंटेज चेंज निकालते थे जो परसेंटेज चेंज निकलता था हमारे में वो कैसे निकलता था परसेंटेज हम चेंज निकालते थे हम देखते क्या थे है, बड़ी या है, कितनी गरी यही देखते थे अब इधर होता क्या है जोन सी भी चीज होती है जैसे अगर मैं बैलेंस शीट की ले कोई करंट पे करंट लाइबिलिटीज हैं तो जो करंट एसेट होगा यहाँ पे परसेंटेज चेंज में हम बेस किसका लेंगे करंट एसेट का और करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी का तो इधर तो हमारा बेस चेंज होता जा रहा है तो मतलब ये भी नहीं हो सकता तो बचा हमारा right क्या होगा? और में क्या होता है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं या फिर बैलेंस शीट की कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं याद हो तो, तो दोनों ई का डाटा लिख के हम साथ साथ क्या करते हैं परसेंटेज निकालते हैं किस बेसिस पे कॉमन बेस किस पे लेते हैं अगर हम बैलेंस शीट ले रहे हैं तो टोटल टोटल बैलेंस शीट के अमाउंट को बेस ले लेते हैं यही होता है वो हमारा कॉमन बेस होता है टोटल अमाउंट बैलेंस शीट का और वहीं अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस का कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम परसेंटेज चेंज जो निकालते हैं जो हम परसेंटेज निकालते हैं वो उधर कॉमन बेस क्या लेते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ताकि पता कर सके कितना प्रोपोर्शन उस चीज का है तो उस केस में हम क्या लेते हैं कॉमन बेस सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कॉमन साइज स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर शुड बी स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा राइट right आंसर क्या हो जाएगा बी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर टू को फॉलो करते हैं जहां पे गिवन है कि हमें अपनी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर एनआरवी पे और साथ साथ कौन से प्रिंसिपल के कारण हम ये फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर इसे हम कह देते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है ये कंसेप्ट कि जो हमारे लॉसेस वगैरह हैं उसको हमें पहले ही रिकॉर्ड कर लेना है एंटिसपेट कर लेना है और बैलेंस शीट में शो कर देना है तो उस बेसिस पे जो हमारी कॉस्ट होती है इन्वेंट्री की वो हम लेते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर एनआरवी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन चले नेक्स्ट क्वेश्चन में सो द क्वेश्चन नंबर इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज आर स्टेट नंबर स्टेटमेंट नंबर वन यूज इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज तो क्वेश्चन क्या कह रहा है

उसको भी इन्वेंटरी नहीं मानते देखो कोई एसेट है जिसे हमने रख लिया लैंड बिल्डिंग को कि वो और इन फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ये भी हमारा इंक्लूड होता है तो कौन कौन सी है? हमारी स्टेटमेंट इंक्लूड होती है टू फोर और फाइव टू फोर और फाइव कहां पे है ऑप्शन नंबर डी में सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू फोर एंड फाइव देखो जैसे स्टेटमेंट नंबर फिफ्थ है उसमें क्या बात कर रखी है जैसे अगर हम शर्ट की बात कर लें तो शर्ट में जो बटन यूज हो रहे हैं अगर जो बटन पड़े हुए हैं हमारी फैक्ट्री में एक्स्ट्रा वो भी हमारी क्या कहलाएंगे इन्वेंट्री का कहलाएंगे है ना तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं इन्वेंट्री में सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट नॉट द मार्केट वैल्यू फिर स्टेटमेंट नंबर टू क्या है इट इज यूज इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स बट नॉट वेस्टिंग एसेट नंबर थ्री क्या है इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस तो पहली चीज स्टेटमेंट नंबर थ्री बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या है इधर कि जब हम डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं क्या हमारी जेब से कोई पैसा जाता है व्हाट इज नॉन कैश एक्सपेंस जब हम बुक में डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं क्या हमारी पॉकेट से कोई पैसा जाता है नहीं जाता तो ये क्या हो गया एक नॉन कैश एक्सपेंस स्टेटमेंट नंबर टू क्या कह रही है इट इज यूज इन केस ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स पहली चीज तो यही गलत हो गई हमारा इनटेंजिबल एसेट

तो हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वन और टू तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारी करेक्ट है वन एंड थ्री तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वन एंड थ्री ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बिलो करेक्टली डिस्क्राइब एनआरवी एस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर टू अब भी हमने पिछली बार पिछले क्वेश्चन में देखा था एनआरवी क्या होता है जो हमारी इन्वेंट्री होती है वो कॉस्ट या फिर एन से लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है अब इन्होंने पूछ लिया कि एनआर होता क्या है तो डेफिनेशन दे रखी है एनआर क्या होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस दे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटेड मतलब उसमें मतलब से, उस से जब हम रिड्यूस कर देंगे कंप्लीशन की कॉस्ट और रिड्यूस कर देंगे क्या जो खर्चा हमारा उसको सेल करने में आएगा वो हमारा एनआरवी होता है या फिर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस दस्टिटेड कॉस्ट ऑफ कम्पलीशन एस्टिटेड सेलिंग प्राइस लेस दीटेडरी टू मेक दिल्स एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दस्ट मतलब main question क्या है selling price से में क्या क्या रिड्यूज करना है तो हमारी एनर्वी निकालते वक्त एस्टिटेड सेलिंग प्राइस से दो चीजें रिड्यूज होती है क्या क्या रिड्यूज होती है एक तो कॉस्ट ऑफ कम्पलीशन मतलब जो काम कम्पलीट मतलब जो मटीरियल फिनिश कम्पलीट करने में जो कॉस्ट आएगी साथ साथ जो सेल करने में कॉस्ट आएगी वो भी हमारी रिड्यूज होती है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए estimated selling price less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sales ठीक है चलें आगे अब देखो बी वाले ऑप्शन में हमारा कॉस्ट ऑफ सेलिंग मिसिंग था और सी वाले में क्या था कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मिसिंग था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद एंड द शेयर फॉरफ्यूचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ शेयर फॉरफ्यूचर क्या होता है कि कोई पर्सन अपनी कॉल मनी या फिर अलॉटमेंट मनी जो हमने उनसे पैसा मंगवाया उसे पे करने में चूक गया या फेल हो गया अब हमने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया फॉरफीट कर दिया अब जब हम शेयर फॉरफीट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर जो भी रहेगा हमारा लेट सपोज कॉल इन एरियस अकाउंट क्रेडिटेड फिर अपना फॉरफीचर अकाउंट यही एंट्री पास करते हैं ये दो एंट्री क्रेडिट करते हैं और शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं अब क्वेश्चन है कि भाई कितनी अमाउंट से हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं तो इधर हमारा पर्पज क्या है जानना अमाउंट अब देखो कैंसिल जब हम फॉरफिट करते हैं हम कर क्या रहे होते हैं शेयर्स को कैंसिल कर रहे होते हैं मतलब जो अमाउंट हमने उनसे मंगवाई है जो शेयर कैपिटल में डाली है ऊपर उन सबको कैंसिल करना है मान लो अगर कोई दस रुपए का शेयर है और उसमें एप्लीकेशन मनी है टू रुपीज और हमारा अलॉटमेंट मनी है टू रुपीज थ्री रुपीज फर्स्ट कॉल हो गई और थ्री रुपीज फाइनल कॉल हो गई मान लो कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल मंगवाई नहीं और थर्ड जब फर्स्ट कॉल मंगवाई उसमें से कुछ शेयर्स ने मना कर दिया और उनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए तो टोटल अमाउंट जो हमारी शेयर कैपिटल में जा चुकी होगी? जा चुकी चुकी होगी होगी एप्लीकेशन टू रुपीज हमारी अलॉटमेंट की जा चुकी होगी और जब हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू करा होगा तो थ्री रुपीज भी हमारे शेयर कैपिटल में जा चुके होंगे जब फर्स्ट कॉल को ड्यू करा होगा थ्री रुपीज हमारे शेयर कैपिटल में जा चुके होंगे है ना अब जब हम शेयर को कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल की अमाउंट है उसे रिड्यूस करना है रिड्यूस करने के लिए डेबिट कर रहे हैं तो जो हमारी डेबिट की अमाउंट होगी वो कितनी अमाउंट होगी जितनी हमने अमाउंट मंगवा ली है उनसे जितनी हमने अमाउंट कॉल कर ली है यही अमाउंट हमारी डेबिटेड होगी तो वो कहां आएगा पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर कैपिटल शेयर फॉरफिटेड ये नहीं है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड मतलब ये करेक्ट हो गया कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड ये भी करेक्ट है कॉल इन एरियज कॉल इन एरियज

बिल्कुल नहीं हम क्या करेंगे कंपनी क्या करेगी वो अमाउंट लेगी और एक्सेप्ट <coughs> सॉरी सेपरेट अकाउंट में डाल देगी जिसका नाम हो जाएगा शेयर फॉरफिट अकाउंट तो जो अमाउंट रिसीव कर ली है वो हमारी क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कॉल्ड अप कैप, कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड या फिर और फॉरफिट में कौन सी अमाउंट जाएगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिटेड जो पैसा हमारे को उस शेयर होल्डर से मिल चुका है उससे हम क्या करेंगे शेयर प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी अदर एक्टिविटी या वो इट इज नॉट शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा डिविडेंट होता है पहली बात तो जो डिविडेंट ऑप्शन को ही नहीं होता पहली चीज या तो वो इन्वेस्टिंग में शो होगा हो या फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग में अगर हम नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था तो उससे जो हमारे डिविडेंट रिसीव्ड हो रहा है हम कहां शो करते थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बात करी हुई है डिविडेंट रिसीव बाई फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस कौन हो गए वो कंपनीज जिनका मेन काम ही इन्वेस्टमेंट करना है जिनका मेजर बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट करना है और जिसका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है और उसके लिए इनकम ही क्या होगी जो उस इन्वेस्टमेंट से अर्न करा मतलब डिविडेंड वगैरह चीजें तो एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए जो डिविडेंड रिसीव हुआ उसे हम कहा रिकॉर्ड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन में सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब राइट शेयर राइट शेयर होते क्या वो शेयर जो हम मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करते हैं कि आप खरीद लो होता क्या ध्यान से सुनो मान लो कंपनी ने पहले शेयर इशू करे हुए हैं अब कंपनी चाहती है नए न्यू इशू लेके आए अब जब नया इशू आएगा तो जो पुराने वाले शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल रिड्यूस होगा है ना तो ये तो गलत बात है कि आप उनसे बिना पूछे आप उनका कंट्रोल कैसे रिड्यूस कर रहे हैं तो इसलिए कंपनी क्या करती है जब नया इशू लेके आती है तो सबसे पहले जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ऑफर करती है कि जितने शेयर्स आपके पास पड़े हैं उसी प्रपोर्शनेट में आप न्यू शेयर भी खरीद सकते हो ताकि आपका कंट्रोल बना रहे यही होता है है right को right दे रही है कि आप और भी नए खरीद लो ताकि आपका कंट्रोल उतना ही बना रहे कंपनी में ठीक है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की अपने उस पर होता है कि वो खरीदें या फिर रिजेक्ट कर दे ऑफर बट राइट शेयर क्या होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है ऑफर कर रही है कि आप नए शेयर खरीद लो ठीक तो है तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है ए है ऑप्शन क्या शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर एंड तो पहले ही हो गया कि डायरेक्टर को नहीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू होते हैं अ कंपनी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज सब्सिक्वेंट इशू ऑन प्रायोरिटी बेसिस तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी क्या है ऑप्शन नंबर बी कि भाई जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें बाहर वालों की बजाय पहले अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपके पास अभी राइट right है आप हमारे न्यू शेयर ले लो ताकि आपका कंट्रोल बना रहे ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक बार अदर ऑप्शंस भी पढ़ लेंगे ताकि और अप्रोप्रिएट क्वेश्चन ना मिल जाए तो सी ऑप्शन क्या है बाय अ कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स ये तो बाय बैक नहीं डिशनल शेयर्स गिवन टू करंट शेयर होल्डर्स विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होता है बोनस शेयर्स देना ना कि राइट शेयर्स ठीक है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ आफ्टर री इश्यू ऑफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स बैलेंस इज लेफ्ट इन दॉर्फिटेड शेयर अकाउंट इट इज ट्रांसफर्ड टू तो इसका जो तो डायरेक्ट आंसर है वो अमाउंट जो फॉरफिट अकाउंट में बच जाती है वो सारी कहाँ ट्रांसफर होती है कैपिटल रिजर्व में सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अब होता क्या है ध्यान से सुनना मान लो कंपनी ने हंड्रेड शेयर्स फॉरफिट करे हमें ध्यान रखना होता है कि मान लो अगर फिफ्टी शेयर रीइू हो रहे हैं और फिफ्टी अभी रीइू नहीं हो रहे तो जो इस पे फॉरफिट की अमाउंट बचेगी ना सिर्फ वो ही ट्रांसफर होगी कैपिटल रिजर्व में

यहां पे और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड जो इशू नहीं हुए वहां पे अब ये जो सेविंग्स हुई हैं ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की इसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में ठीक है इन बच्चों को कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफर करेंगे जब ये इशू हो जाएंगे और ये अमाउंट बच जाएगी हमारे पास ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कैपिटल रिजर्व नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो तो इन सब में से सोल्वेंसी रेशियो कौन सी है सोलवेंसी रेशियो वो क्या होती है जो कंपनी की सोल्वेंट पोजिशन बताने में हमें हेल्प करती है ठीक है कि कंपनी कितनी सोल्व कितने चांसेस हैं कि डूब जाएगी तो इन सब में से हमारी क्या हो गई एक है करंट रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो नन ऑफ अबव तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करंट रेशियो करंट रेशियो क्या होती है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज और ये हमारी सॉल्वेंसी नहीं बताती बल्कि क्या बताती है लिक्विडिटी तो ये एक हमारी लिक्विडिटी रेशियो होती है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए करंट रेशियो ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय टेक केयर थैंक यू